यूपी विधानसभा चुनाव के बीच कांग्रेस में सब कुछ ठीक चलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। दरअसल बलरामपुर में कांग्रेस जिला अध्यक्ष अनुज सिंह ने साथियों के साथ वीआईपी गेस्ट हाउस में टिकट बांटने को लेकर मीटिंग की। इस दौरान कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव सत्यनारायण पटेल से गाली गलौज करने के साथ ही उनके साथ जमकर मारपीट भी की गई। इस पर कांग्रेस की केंद्रीय अनुशासन समिति ने चारों को 6 साल के लिए पार्टी से निलंबित कर दिया है। आपको बताया चलें कि पार्टी के वरिष्ठ नेता और इंदौर शहर से 2 बार विधायक रहे सत्यनारायण पटेल प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी के बेहद करीबी माने जाते हैं। ऐसे में उनके साथ इस तरह की बदसलूकी करने पर पार्टी ने ये कदम उठाया है। मिली जानकारी के मुताबिक बलरामपुर जिले के कांग्रेस जिला अध्यक्ष अनुज सिंह, उपाध्यक्ष अख्तर हुसैन खान, जिला महासचिव विनय मिश्रा, जिला अध्यक्ष से बदल दीपक मिश्रा की ओर से श्रावस्ती जिले के वीआईपी गेस्ट हाउस में मध्य प्रदेश के इंदौर से पूर्व विधायक और राष्ट्रीय सचिव सत्यनारायण पटेल के साथ ये मारपीट की गई। इसके बाद कांग्रेस अनुशासन समिति की ओर से सभी को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। कांग्रेस जिलाध्यक्ष अनुज सिंह बलरामपुर की तुलसीपुर विधानसभा सीट के लिए टिकट मांग रहे थे। वहीं जिला उपाध्यक्ष अख्तर हुसैन भी विधानसभा टिकट मांग रहे थे, लेकिन कांग्रेस पार्टी के सर्वे में ये बात सामने आई कि दोनों लोग जनता के वायदों पर खरे नहीं उतर रहे हैं। इसलिए कांग्रेस पार्टी ने तुलसीपुर विधानसभा सीट से युवा कांग्रेस के मध्य जोन प्रदेश अध्यक्ष रहे दीपांकर सिंह को टिकट दिया। ITP न्यूज़ रूम की रिपोर्ट।